हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सो एज़ यूजुअल आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स इसको जो है आप सब्सक्राइब जब करते हो ना तो नोटिफिकेशन बैल को ऑन ज़रूर कीजिए क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा एंड ये हैप्पी नवरात्रि टू ऑल आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो शुरू करते हैं आज की क्लास को माता रानी का नाम लेकर तो सबसे पहला क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है अभिप्रेरण समायोजन सीखना या चिंतन तो ये डेफिनेशन है गेट्स ने ये दी है कि अनुभव के द्वारा और व्यवहार के द्वारा जो हमारे आ, मतलब अनुभव द्वारा जो है हमारे व्यवहार में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं सीखना कहते हैं यानी लर्निंग कहते हैं ओके तो आंसर हमारा एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा सी आंसर सीखना और डियर आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो फिर अपना आंसर लगाया करो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर कहा है कि जो नहीं करना चाहिए सीखने के पठार के निराकरण के लिए हम उसको पनिश नहीं करेंगे उसे दंडित करना चाहिए बिल्कुल गलत है क्योंकि हम पनिश नहीं कर सकते है ना मोटिवेट तो कर सकते हैं टीचिंग मेथड का अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं उसके जो रीजंस हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं लेकिन पनिश नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है सी आंसर सही हो जाएगा जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में है क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं ठीक है जैसे सीखने की गति फास्ट हुई और एकदम से डाउन हो गई यानी मंद हो गई उसे कहते हैं उनतोदर वक्र नतोदर वक्र मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर उस वीडियो को मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सीखने के पठार ठीक है ये टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है उस चैनल पर तो वो आप देख लीजिएगा तो एक में आंसर सही हो जाएगा उन तोदर वक्र ये आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है उत्तेजना आवृत्ति सामान्यकरण या इनमें से कोई नहीं तो एक सौ चौबीस में आंसर राइट हो जाएगा उत्तेजना ठीक है फर्स्ट आंसर सही है निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है उद्दीपन की स्थिति आवश्यकता एक अथवा दो एक और दो, दोनों तो आंतरिक दशा नहीं है ठीक है तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर उद्दीपन की स्थिति क्योंकि उद्दीपन हमारा कैसा होता है क्योंकि वो तो एक्सटर्नली होता है ना है ना एक्सटर्नली होता है उद्दीपन तो बाहरी होता है स्टिमुलस जिसको हम बोलते हैं जैसे भोजन आपके सामने रखा है आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा टॉफी तो दी जाएगी ये सभी एक्सटर्नली होती है ठीक है यानी बाहरी दशा होती है ये आंतरिक दशा नहीं होती है तो आंसर ए सही हो जाएगा संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है आदतों मूल प्रवृत्तियों शारीरिक विकास या संप्रतियों के निर्माण तो संवेग की उत्पत्ति यानी इमोशन की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है बेसिक टेडेंसी से चौदह मूल प्रवृत्तियां हैं और चौदह ही संवेग हैं एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ है विलियम मैकटूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है और इनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी तो बी आंसर सही है अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है संवेग आवश्यकता भावना या प्रत्यक्षीकरण एक में आंसर सही हो जाएगा बी आंसर आवश्यकता बी आंसर यहां पर हमारा राइट है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा शिक्षण में अनुशासन में या ये सभी तो 128 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा वीडियो को पॉज कर लीजिए और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में बताइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिए तो आंसर सही है ये सभी अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है तो 129 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है एक अध्यापक के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ऑप्शन देखिए अमीर छात्र अधिक अधिक अधि, अधिक अधिगम करता है किसी प्रकार का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है गरीब छात्र कम अधिगम करता है या में से कोई नहीं तो एक छात्र के अधिगम पर उसकी जो आर्थिक स्थिति है इकोनॉमिकली कंडीशन है उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है तो आंसर राइट right हो जाएगा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन उसके लर्निंग को कोई भी इफेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पर आंसर बी होगा राइट right? काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया स्किनर ने हेगर्टी ने सिगमंड फ्राइड ने या थ्रस्टन ने तो जहाँ पर काम की बात आती है वहाँ पर सिगमंड फ्रायड का नाम आता है तो सी आंसर सही है तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है मुख्य नियम सहायक नियम गौण नियम या प्रोक्ष सभी तत्परता का नियम ठीक है ये थौाइक ने बताए थे आठ नियम बताए थे जिसमें तीन मुख्य नियम थे पांच गौण नियम थे तो जो तत्परता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम है ए आंसर यहाँ पर राइट है थौंडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है तत्परता को अभ्यास को काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को तो सर्वाधिक प्रधानता जो है लर्निंग रूल्स इन्होंने बताए थे और इन्होंने बताया था कि जितना बच्चा ज़्यादा अभ्यास करेगा गलती होगी अभ्यास करेगा तो अभ्यास को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है तो बी आंसर सही है अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया स्किनर द्वारा हल द्वारा थौंडाइक द्वारा या थ्रष्टन द्वारा तो ये दिया गया थोंडाइक द्वारा निम्नलिखित में से किसके अनुकरण प्राप्त करता है शिक्षकों के दोस्तों के माता पिता के या प्रोक्त सभी अनुकरण तो बच्चा सभी का करता है और उससे नया ज्ञान प्राप्त करता है तो ऑब्वियस ही बात है डी आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट अस्पष्ट सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं अस्पष्ट यानी अनक्लियर जो होते हैं ना उसके नियम में जो विचार होते हैं थॉट जो होते हैं ना वो स्पष्ट होते हैं आंसर सही है सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया जीवन वृत्त विधि प्रयोगात्मक विधि प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि आंसर सही हो जाएगा तो ये है प्रयोगात्मक विधि बी आंसर सही है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है प्रेरकों का शमन व्यवहार कुशलता सभ्यता या अधिगम? तो यह अधिगम कहलाता है डी आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया मूल संवेगात्मक क्रिया पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या सभी तो आंसर सही हो जाएगा पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति सी आंसर राइट है ज्ञानात्मक अधिगम गामक अधिगम संवेदनात्मक अधिगम क्या है अधिगम के प्रकार अधिगम की अवस्था अधिगम की प्रकृति या अधिगम स्थानांतरण तो ये ना सभी अधिगम के प्रकार है टाइप ऑफ लर्निंग ए आंसर राइट है बी एफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आंकलन करता है मानसिक स्तर का व्यक्तित्व का अधिगम स्थानांतरण का या सभी? तो आंसर सही हो जाएगा व्यक्तित्व का प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या सभी के तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है पहचानने तथा सुनने की शक्ति केवल सुनने की शक्ति केवल पहचानने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं तो इनके अनुसार बुद्धि क्या है साइमन बिने के अनुसार पहचानने तथा सुनने की शक्ति ये आंसर सही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना पाठ्यपुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है या समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना तो एज अ टीचर आप बच्चों को किस तरह से बेहतर समस्या समाधान करते यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने में हेल्प कर सकते हो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर कि समाधान करने के लिए उनको मौके तो देना विविध प्रकार के और हल करते समय उनकी सहायता करना ए आंसर सही है छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके आंकलन के कई तरीके बहु आंकलन या एक और दो दोनों 145 में आंसर सही है तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर एक और दो दोनों शिक्षण के कई तरीके ये भी हैं और आंकलन के कई तरीके तो डी आंसर सही हो जाएगा एक और दो दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता पर्यावरण आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या तो इसमें बताना है फिल करना है व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो दोनों ही हैं ठीक है आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण तो सी आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाहर अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण प्रतिस्पर्धा पुरस्कार और दंड परिणामों का ज्ञान एक्सटर्नल मोटिवेशन में तो यहाँ पर देख लीजिए एक और तीन एक दो और तीन केवल दो एक दो तीन चार तो बाहरी अभिप्रेरणा में जो शामिल होता है वो है डी आंसर चारों ही है ठीक है तो डी आंसर बिल्कुल सही है रेवेंक आर पी एम परीक्षण जो है किस प्रकार का परीक्षण है मौखिक बुद्धि लब्दांग संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक गैर समूह बुद्धि लब्दांक या व्यक्तित्व तो आंसर सही हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्दांग सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है सीखना कौशलों के संचय के समान है या सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है जो सत्य है वो है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं डी आंसर सही है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है संवाद पुरस्कार व्याख्याएं या निर्देश तो बताइए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आंसर सही हो जाएगा संवाद यानी कम्युनिकेशन जो डिबेट होती है ना डिस्कशन होती है ठीक है डियर तो यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है टू नाइन फाइव जीरो टू फोर थ्री सेवन फाइव कुछ भी पूछना है आप यहाँ पर पूछ सकते हो आपको रिप्लाई दिया जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई ट्यूब चैनल टिल दैन बाय बाय रब रखा जय भोलेनाथ एंड जय माता दी बाय